तो गाइज आज हम है ना माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे अमेजिंग टिकटॉक हैक ट्राई करने वाले हैं जो कि काफी इंसेन है और आप हैरान हो जाओगे देख के। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी हैरान हो गया था और आप भी हैरान हो जाने वाले हो, काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको है ना इन सारे हैक में से कौन सा सबसे बेस्ट लगा, और सबको है ना नंबर देना जरूर, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। और आपको कोई हैक पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में शायद आपका हैक आ जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर। तो ये वाला माइनक्राफ्ट वायरल हैक कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है, मतलब आप लोग हैरान हो जाओगे इसको देख के। तो इसको हम फटाफट बना दे। तो हमको ना इस तरीके से है ना एक सिस्टम बनाना है और इसको मैक्स पे सेट कर देना है। तो एक मिनट में इसको कर देता हूँ फटाफट से। और मैक्स पे सेट करने के बाद है ना हमको यहाँ पे है ना इसको कनेक्ट करना है रेडस्टोन से, पूरे दोनों को कनेक्ट कर देना है, मतलब एक तरीके से क्लॉक बनाना है। और यहाँ पे है ना हमको एक स्टिकी पिस्टन लगाना है, उसके ऊपर स्लाइम ब्लॉक लगाना है, और उसके ऊपर हमको लाइटनिंग रॉड लगाना है, और ये क्रीपर क्या कर रहा है, फिर उसके ऊपर है ना हमको ये कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो एक्चुअली। और इतना होने के बाद है ना हमको यहाँ पे एक लीवर लगाना है, यहाँ पे ना हमको एक क्लॉक स्टार्ट करना है, और उसके बाद है ना हमको एक चीज़ करना है, हमको इसके ऊपर बहुत सारे ट्राइडेंट फेंक देने हैं। तो ये है ना आप लोग हैरान हो जाने वाले हो कितने सारे अमेजिंग है। और याद रखना आपके ट्राइडेंट पे ना चैनलिंग होना चाहिए, तो चैनलिंग 1 का ही खाली इंचैंटमेंट है। तो यहाँ पे ना मैं बहुत सारे फेंक देता हूँ, तो गाइस देख सकते हो मैंने ना इसके ऊपर बहुत सारे फेंक दिया। अभी है ना हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, हमको यहाँ पे थंडरस्टॉर्म चाहिए। तो ये वाला है ना आप लोग हैरान हो जाने वाले हो जितना अमेजिंग ये है ना भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर्वाइवल में इससे बेस्ट कोई होगा हैक। तो अभी है ना हम इसको एक्टिवेट करते हैं और इसको हटाने का आप देख सकते हो क्या होता है। और अभी है ना अभी तो सिर्फ ये स्टार्टिंग है, अभी है ना हमको इसको एक्टिवेट करके इसको बंद कर देना है। और आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, इतना आवाज़ आ रहा है यहाँ पे भाई, क्या ही बताओ। आप देख सकते हो ये हैक कितना अमेजिंग है, और ऊपर देखो एकदम खतरनाक डेंजरस लग रहा है भाई, क्या ही कह सकते हैं। मतलब आप बताना इससे अमेजिंग आपने देखा है कहीं पे? तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, मेरी आवाज़ कम आ रही है, मेरे को ना ये थंडर स्टॉर्म का है ना मतलब ये जो बिजली आ गिर रही है, कितना आवाज़ आ रहा है कि क्या ही बोलूँ। तो इसको फिलहाल हम बंद करते हैं। तो बस है ना हमको एक रेड स्टोन तोड़ना है और ये फटाफट से बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे ट्राइडेंट मैंने डाला और इतने सारे यहाँ पे लाइटनिंग गिर रही है, और सब लाइटनिंग है ना ये लाइटनिंग रॉड है ना अब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक काम करते इसको दोबारा एक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ, तो चालू करके बंद कर देना है। और आप देख सकते हो क्या अमेजिंग है, और इतना ज़्यादा यहाँ पे साउंड आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा। मुझे तो सबसे बेस्ट लगा, मतलब इससे बेटर हैक तो मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में नहीं देखा है, काफ़ी अमेजिंग है। सबसे पहले ना मैं इसको बंद करता हूँ, तो इसको वापस से तोड़ देना हमको, और ये वापस से ना बंद हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप इसको कितने वोट देते हो, मैं तो 10 में से 10 दूंगा, और आप लोग कितने देते हो कमेंट में जरूर बताना। तो भाई ये वाला टिकटॉक हैक भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर ये वर्क कर जाता है बेडरॉक में तो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन मुझे पता नहीं ये बेडरॉक में वर्क करेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो हमको ना इस तरीके से ग्लासेस से कवर कर देना है, और यहाँ पे मेरे को 2-3 ऊपर कर देना है यहाँ पे, और इसको है ना मुझे इस तरीके से पूरी तरह कवर कर देना है एक्चुअली। तो इसको फटाफट कवर करते हैं, और ऐसे मुझे ना यहाँ पे भी करना है। तो एक्चुअली मैं है ना 2-3 करने वाला, एक छोड़ के यहाँ पे। तो इस तरीके से है ना मुझे इसको है ना एकदम ऊपर लेयर कर देना है। तो इसके अंदर है ना हमारे विलेजर आएंगे, और अगर ये वर्क करता है बेडरॉक में तो भाई इससे बेस्ट तो भाई क्या ही बताऊँ। तो इसको ना मैं फटाफट से एक्टिवेट करता हूँ। तो क्या अब हमको क्या करना है, हमको है ना इसके अंदर बहुत सारी ये रख देना है। यहाँ पे मैं ड्रैगन का रख देता हूँ, और यहाँ पे है ना मैं स्टीव का रख देता हूँ, और यहाँ पे ना मैं क्रीपर का रख देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि है ना वो विलेजर इसको पहन लेंगे, तो वो मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले ना मैं इसके अंदर बहुत सारे विलेजर को स्पॉन करता हूँ, बहुत सारे नहीं एक एक ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक एक को स्पॉन करता हुआ ना मुझे यहाँ पे ये चाहिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जावा में तो ये वर्क करता है, जावा में तो ये विलेजर पहन लेते हैं मॉब हेड, लेकिन ओके बेडरॉक में ये वर्क नहीं करता, मतलब ये किसी काम का नहीं है। जावा में तो ये है ना विलेजर है ना मॉब हेड पहन लेते हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन है ना एक्चुअली ये बेडरॉक में ऐसा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर ये पहन लेते तो कितना अमेजिंग लगता भाई, लेकिन ये है ना बेडरॉक में वर्क नहीं करता भाई, बहुत ही बेकार है, ये फेल हो चुका है बेडरॉक के लिए। बट जावा में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है, मतलब अभी भी ये सबसे बेस्ट है। A few moments later. तो चलो हमारा अगला टिकटॉक हैक ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले है ना हमको यहाँ पे 4 ब्लॉक तोड़ना है एक्चुअली इस तरीके से, और इतना करने के बाद हमको है ना ये आइस चाहिए, उसके बाद हमको है ना स्लैब से इसको कवर कर देना है पूरी तरीके से। तो ये पूरा कवर करना है ताकि ना हमारा बोट बाहर ना जा सके, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी आप देख सकते हो इसको क्या करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मेरे को बोट को यहाँ पे स्पॉन कर देना है। ओके ये नीचे कहाँ चला गया, इसको तोड़ो यहाँ से हट, और इसको मैं है ना बंद कर देता हूँ, ये इसको भी तोड़ के हटा दो, और यहाँ पे भी इसको लगा दो। वैसे है ना नीचे लगाओ या ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ऊपर से मतलब है। यहाँ पे बोट को स्पॉन करना है, और है ना हमको एक और चीज़ करना है, मैं अभी है ना दिखाता हूँ आपको। तो हमको ना एक क्रीपर को स्पॉन करना है और बोट में बिठाना है, बहुत सही। और इसको ना मैं तोड़ देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इतना होने के बाद है ना मुझे भी इस बोट के अंदर बैठ जाना है, और है ना मुझे है ना एक डायरेक्शन करना है, तो शायद से हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ना थर्ड पर्सन में आता हूँ, तो फाइनली मैं थर्ड पर्सन बैक में आ चुका हूँ। और अभी आप देखना कितने स्पीड में ये घूमने वाला है।
तो ये है ना, ये वर्ल्ड हमको काफ़ी घूमता हुआ दिखेगा ऐसे होल्ड करके रखना, और ये ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ते रहेगा। तो आई थिंक इतना ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ रहा है मेरा, मैं है ना ये इससे टकरा रहा हूँ, मुझे ना इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन देख सकते हो क्या स्पीड में लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ना। इसको आप रोक भी सकते हो अगर दो तरफ से होल्ड करो तो, लेकिन देख सकते हो क्या फास्ट है, मतलब काफ़ी कमाल का टिकटॉक है। इससे ना आप किसी को भी चक्कर लगा सकते हो, देख सकते हो क्रीपर को कैसा यहाँ वहाँ देख रहा है, और काफ़ी अमेजिंग आपको वर्ल्ड घूमता हुआ दिखेगा। मेरे को तो असली में चक्कर आ रहा है, मैं और नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ज़्यादा घूमता हुआ होता है ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो गाइस हमारे ये वाला हैक भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये एक डिफेंस हैक है, इससे आप अपने ना विलेज को सुरक्षित रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये स्लैब लेना है, इसको एक सेंटर वाले ब्लॉक को छोड़ के हर एक डायरेक्शन में स्लैब लगा देना है। तो यहाँ से ना मैं पूरा का पूरा स्लैब लगा देता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ पे पूरा स्लैब लगा देना, और सेंटर वाले ब्लॉक को ना आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, और इतना होने के बाद आपको है ना सेंटर वाले ब्लॉक पे है ना एक ब्लॉक रखना है, और उसके बाद है ना हर एक कॉर्नर पे है ना आपको इस तरीके से सोर्स एंड लगा देना है। और सोर्स एंड लगाने के बाद है ना आपको एक ब्लॉक है ना यहाँ पे हाइट में लगाना है, और इसके ऊपर है ना आपको स्लैब लगा देना है। तो टोटल है ना आपको है ना 9 स्लैब लगाना है कुछ इस तरीके से। और इतना होने के बाद है ना आप ये वाले ब्लॉक को तोड़ सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको फटाफट मैं पूरा कर देता हूँ। तो यहाँ पे करने के बाद आपको है ना ये सेंटर वाले ब्लॉक को तोड़ देना है, और सेंटर वाले ब्लॉक को तोड़ने के बाद है ना इसके अंदर आपको इस तरीके से ना आइस गोलम को स्पॉन करना है, सॉरी स्नो गोलम को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इतना होने के बाद है ना इसको फटाफट से आपको बहुत सारे भर देने हैं, तो मैं यहाँ पे ना टोटल 10 को भरने वाला हूँ। तो 10 भरने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 10 को भर दिया, और इतना होने के बाद आपको ऊपर से कवर कर देना है ताकि बारिश हो ना तो ये है ना स्नो गोलम पिघल ना जाए। और इतना होने के बाद आपको है ना यहाँ पे ये इस तरीके से ना इसको एक्टिवेट कर देता हूँ सबसे पहले। तो हर एक डायरेक्शन से मैं ना यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूरा एक्टिवेट करने के बाद है ना आपको जॉम्बी को स्पॉन करना है, लेकिन उससे पहले ना नाइट के लिए है ये, नाइट के लिए डिफेंस सिस्टम है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ नाइट में कैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पे नाइट हो गया, अगर यहाँ पे कोई जॉम्बी स्पॉन होता है ना तो इस तरीके से देख सकते हो आग वाले गोले फेंकेंगे। तो मैं यहाँ पे ना बहुत सारे को स्पॉन कर देता हूँ, और आप देखना कितना अमेजिंग तरीके से ना ये डिफेंस सिस्टम वर्क करता है। तो जितने भी है ना यहाँ पे ये आएंगे जॉम्बी और है ना यहाँ पे ना कोई भी स्नो गोलम मरेगा नहीं, क्योंकि वो हर एक तरीके से ना सेफ है। और जितने भी जॉम्बी अगर आपके विलेज में आसपास आएंगे सबको ये बारी बारी से मार देंगे। तो आप देख सकते हो क्या कमाल का डिफेंस सिस्टम वर्क करता है। तो ये जितना ज़्यादा आप इसमें रखोगे उतना है ना जल्दी जॉम्बी को मारेंगे। तो देख सकते हो एक जॉम्बी मर चुका है, ये आर्मर वाला मर रहा है। जॉम्बी को है ना स्नो गोलम है ना स्नो बॉल से मारेंगे, और ये आग से है ना इनको है ना क्या होगा कि जल्दी जल्दी इनको और डैमेज होगा। तो आप चाहो तो इनको है ना बढ़ा सकते हो, जितने से इतने आप रख सकते हो डिफेंस के लिए। तो एक यहाँ पे बनाओगे, फिर एक यहाँ पे बनाओगे, दूर दूर तक बनाओगे ना तो आपका पूरा विलेज एकदम सुरक्षित रहेगा, कोई भी विलेजर को मार नहीं पाएंगे। देख सकते हो आपके ना स्नो गोलम को थोड़ा भी डैमेज नहीं होगा, और ये सारे के सारे ज़ॉम्बी ऐसे ही ऐसे मर जाने वाले। तो बस आपको पता है आप लोग है ना वेदर को है ना नेम दे सकते हो, जो भी आपको नेम देना है मैं ट्राई करने वाला हूँ। मैंने सुना है, मैंने अभी मेरे को पता नहीं, तो उसको है ना मैं कुछ और नेम देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ना उसको पता है वेदर बहुत खतरनाक और पावरफुल होता है, तो मैं है ना उसको तो मैं है ना वेदर का नाम वीकेस्ट रखता हूँ। हालांकि बहुत पावरफुल बनता है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा उसको वीकेस्ट नाम रख देता हूँ, और इसको ना थोड़ा दूर स्पॉन करने वाला हूँ, नहीं तो ये सब कुछ तबाह कर देगा। तो एक्चुअली ये जगह उसके लिए काफ़ी सेम है ना, उसको ज़मीन के नीचे थोड़ा स्पॉन करता हूँ, तो एक केव ढूंढता हूँ और वहाँ पे स्पॉन करता हूँ, और उसको है ना नेम चेंज करने की कोशिश करता हूँ उसका। तो यहाँ पे ना इतना स्पेस काफ़ी सही है, तो मैं यहाँ पे उसको स्पॉन करता हूँ। मैंने ना नेम टैग ले लिया है, हमको ना फटने से पहले उसको नेम देना होता है, फट से ना मतलब उसके फटने से पहले उसको नेम देना है। तो मैं यहाँ पे है ना एकदम रेडी रहता हूँ, और मैं यहाँ पे है ना इसको फटाफट से ना नेम देता हूँ। तो इसको एक्टिवेट करके इसको नेम देना है, और नेम दे दिया। आप देख सकते हो वहाँ पे वेदर लिख के नहीं आ रहा है, वहाँ पे वीकेस्ट लिख के आ रहा है। तो देख सकते हो स्पेलिंग भी मैंने पता नहीं सही लिखी है, यानी आप लोग कमेंट में बताना, मतलब ये वर्क करता है। हमें ना वेदर को नेम दे सकते हैं, और ये है ना तबाही मचा रहा है इससे। ओके देख सकते हो ये ऑसोलर्ट के साथ खेल रहा है, पता नहीं ये क्या खेल रहा है भाई, ये कर क्या रहा है। एक्चुअली इसको मार नहीं रहा है, और फाइनली इसको मारने लगा, सबको मारते हैं, और ये यहाँ पे डांस क्यों कर रहा है अजीब अजीब सा। तो ओके ये यहाँ पे डांस करने का मूड में आ चुका है, इसको फटाफट मैं निकालता हूँ सबसे पहले। Few inches later. तो गाइस आज हमने ना टोटल 5 टिकटॉक हैक ट्राई की, और सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा आप कमेंट में बताना। मुझे सबसे बेस्ट है ना ये वाला लगा, ये हमारा जो लाइटनिंग का है ना एक फार्म था, मतलब इतना यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कितने सारे लाइटनिंग गिर रहे थे। और सेकंड मुझे ना ये डिफेंस वाला काफ़ी सही लगा, वेदर को नेम चेंज कर सकते वो भी काफ़ी सही लगा, बट है ना सबसे बेस्ट मुझे ये लाइटनिंग वाला लगा, और उसके बाद है ना मुझे ये डिफेंस सिस्टम लगा। इसको आप विलेज में बना सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है। आपको कौन सा अच्छा लगा आप मुझे बताना, और इसको आप कितने पॉइंट दोगे 10 में से, तो मैं इसको 10 दूंगा, काफ़ी अमेजिंग है। मुझे पता नहीं था ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन आप लोग बताना आप लोग कितने पॉइंट देते हो। तो चलिए गाइस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।